हाय एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, BSNL में 49 रुपीज़ का प्लान जो है, पहले से आपको पता ही है कि उसमें आपको कॉलिंग का और जो कि उसमें डाटा का सुविधा मिलता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे BSNL का जो 49 रुपीज़ यानी 49 रुपये का प्लान है, उस प्लान के बारे में यहाँ पे एक तेज़ी से वायरल हो रहा है कि जो कि 49 रुपये में आपको 7 OTT वाले जो कि सब्सक्रिप्शन ऐप मिलने वाले हैं। तो क्या कहाँ तक यह हकीकत है, क्या सच में 49 रुपये वाला प्लान फिर से नया लॉन्च हुआ है और इसमें क्या क्या मिलेगा, एक एक जानकारी देंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं क्या 49 रुपीज़ वाले प्लान में अब BSNL में यहाँ पे न्यूज निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले हेडलाइन की बात करें तो BSNL का नया प्लान जो 49 रुपये के सिंगल रिचार्ज में 7 OTT ऐप देने वाला है। यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं तो सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL ठीक की तरफ से ओवर द टॉप यानी OTT रिचार्ज प्लान लॉन्च किए गए हैं। इन नए रिचार्ज प्लान का सिनेमा प्लस रिचार्ज प्लान नाम दिया गया है, यानी कि जो 49 रुपीज़ वाला प्लान यहाँ पे बताया जा रहा है उसका नाम सिनेमा प्लस जो कि नाम रखा गया है। ठीक है, इन प्लान को सिनेमा प्लस जो कि रिचार्ज का नाम दिया गया है। इस सिनेमा प्लस प्लान को लैंगो एस्टगेट और सेमारूमी और हंगामा और जो कि इपिकॉन जैसे OTT के साथ साझेदारी में पेश किया गया है। आगे की बात करें तो यहाँ पे मतलब यूजर्स को एक सिंगल रिचार्ज प्लान में ढेर सारे OTT ऐप दिए जाएंगे, इसके लिए यूजर्स को अलग से रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी। BSNL ने ऐसे 3 नए रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में क्या क्या जो कि है। तो यहाँ पे BSNL का 49 रुपीज़ वाला प्लान तो काफ़ी जो कि यहाँ पे वायरल हो रहा है। गूगल पे भी जाकर के सर्च करिएगा अगर BSNL का लेटेस्ट न्यूज़, तो वहाँ पे आपको 49 रुपये में 7 OTT करके आपको जो कि न्यूज़ काफ़ी सारे देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बताया जा रहा है कि चलिए जानते हैं कैसा है यह प्लान, यानी कि 49 रुपये के आड़ में जो कि यहाँ पे कोई दूसरा प्लान है आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं तो BSNL सिनेमा प्लस जो कि स्टार्टर पैक की बात करें तो यहाँ पे इस पैक की कीमत वैसे तो मौजूदा वक्त में 49 रुपये है, लेकिन इसकी वास्तविक कीमत 99 रुपये जो की है। यह प्लान करीब 7 OTT ऐप की सुविधा के साथ आता है। इस प्लान में सेमारू, हंगामा, लायंस गेट और जो कि EPIC जैसे OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस किया जाता है, यानी कि दिया जाता है। अब यहाँ पे बात करें तो BSNL सिनेमा प्लस फुल पैक अगर आप लेते हैं तो क्या प्राइस पड़ेगा। इस रिचार्ज प्लान की कीमत 199 रुपये है। इस प्लान में यूजर्स को G5 प्रीमियम, सोनी लीव प्रीमियम, YUPP TV और हॉट स्टार OTT ऐप की सुविधा दी जाएगी। कितने कीमत में? 199 रुपये वाले प्लान में। ठीक है, वहीं आपको BSNL सिनेमा प्लस प्रीमियम पैक की बात करें जो कि पहले हमने बताया, वो आपको यहाँ पर BSNL सिनेमा प्लस फुल पैक था, और यहाँ पर प्रीमियम पैक की बात करें तो यहाँ पर इस रिचार्ज प्लान की कीमत 249 रुपये है। इस प्लान में यूजर्स को G5 प्रीमियम, सोनी लिव प्रीमियम और YUPP TV से मारू हंगामा और लैंगो गेट और यहाँ पे हॉट स्टार का एक्सेस मिलेगा। कितने में? 249 रुपये में, जो कि यह एक BSNL सिनेमा प्लस प्रीमियम पैक है। सिनेमा प्लस रिचार्ज के लिए यूजर्स के पास BSNL का एक्टिव साइबर कनेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर साइबर कनेक्शन के लिए जो यहाँ पर जो भी प्लान है वो होना चाहिए साइबर। अगर आपका आपके पास कनेक्शन है तभी आपका इस जो कि आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके बाद यूजर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिनेमा प्लस प्लान की रिचार्ज कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे। होगी पैक की बचत, जो कि यहाँ पे पैसों की बचत होगी। कैसे होगी? BSNL का मानना है कि इस तरह से प्लान के यूजर्स का पैसा बचेगा, यूजर्स को अलग अलग रिचार्ज के लिए ज़्यादा पैसा नहीं देना होगा।